उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस को मिली सफलता। 65 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग हत्या के पीछे अपने ही निकले कातिल, जमीन हड़पना चाहते थे, पुलिस ने किया खुलासा। बदायूं थाना फेजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव बीते दिनों दिव्यांग बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने किया खुलासा, अपने ही निकले कातिल, पूरा मामला जमीन विवाद का निकला। 65 वर्षीय रक्षपाल यादव सीने पर पैर पर मारी थी गोलियां, जिनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने रंजिश बढ़कर गांव के लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। थाना पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी। भानु प्रताप पुत्र रमेश्वर निवासी उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो बताया कि साहब मैंने वसुखपाल उर्फ ननहू का पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम किशनपुर थाना फेजगंज बेहटा जनपद बदायूं महेंद्र पुत्र हीरालाल राम निवास पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना फेजगंज बेहटा जनपद बदायूं अखिलेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम भारतल गदापुर थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल जितेंद्र वादी मुकदमा पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम किशनपुर थाना फेजगंज बेटा बदायूं द्वारा मिलकर ग्राम किशनपुर के बाबू राम कपूरी सिंह नन्हे पुत्र गढ़ विद्याराम विनेश पुत्र दरिया सिंह को झूठा फंसाने व रक्षपाल पुत्र हीरालाल की जमीन जितेंद्र व उसके पिता महेंद्र सिंह द्वारा हड़पने के उद्देश्य से रक्षपाल की हत्या कर दी गई थी। 24/25 सितंबर की रात्रि में जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा के किशनपुर गांव में एक व्यक्ति रक्षपाल जो 65 वर्षीय विकलांग व्यक्ति थे उनकी गोली मार करके हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसमें परिजनों ने कुछ लोगों को नामजद किया था, 4 लोगों को, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो फैजगंज बेहटा थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी बिसौली ने मिल करके इस घटना का खुलासा किया। वादी पक्ष ने ही 50,000 रुपये कैश दे करके ये हत्या कराई थी ताकि मृतक की जमीन वो हड़प सकें और अपने दुश्मनों को इस हत्याकांड में फंसा सकें। ये अच्छा खुलासा हुआ है। इस हत्या में प्रयुक्त तमंचा तथा इसमें जो सही अभियुक्त हैं 4 उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 अभियुक्त मौके से अभी मिला नहीं है और ऐसा सूचना मिली है कि मुरादाबाद में कहीं किसी मामले में उसने जमानत तोड़ करके सरेंडर करा लिया है। इस संदर्भ में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई करके शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फैजगंज बेहटा पुलिस ने अच्छा काम किया है, उनकी उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 10,000 रुपये पारितोषक के रूप में दिए जाएंगे।